Now for logarithmic inequality. Now think about this logarithmic inequality. अभी तो हमने log को define किया, तो ये इस interval में दोनों log defined है. अब logarithmic inequality को deal करना है. Log 2x square plus 2x greater than log 2 argument x plus में 1. Base more than 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x square plus 2x greater than x plus में 1 using properties. Make one side 0, x square plus 2x minus x minus 1 greater than 0, x square plus x minus 1 greater than 0. ये एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी डी चेक कर लेंगे. इनके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड ओपन है, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है. इनका डी अगर तुम चेक करोगे इसका, तो डी आएगा इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी आ गया 5. इनका रूट मिलेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. नंबर लाइन पे इन रूट को प्लॉट करेंगे. यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास माइनस वन माइनस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 माइनस वन प्लस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, फिर आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव, फिर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव. हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल देखना है सिर्फ, कुछ ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 यूनियन माइनस वन प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 टू इन्फिनिटी. ये है सेट नंबर बी. फाइनली फ्रॉम सेट ए एंड बी, फाइनली ए इंटरसेक्शन बी गिव रिजल्ट, यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेंगे. नेमिंग ऑफ फंक्शन में कुछ हम आगे मूव करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कोसेक एक्स. हम एक एक करके सबका ग्राफ देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनकी डोमेन देखेंगे हम, ठीक है. फिर उसके कुछ जनरल सोल्यूशन भी देख लेंगे. फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, ये बिल्कुल बेसिक है. इसके ग्राफ हमने 11th क्लास में देखा था. कुछ इस तरीके से यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई एंड हेयर इज माइनस 3 पाई बाई 2. ये साइन एक्स का बेसिक ग्राफ है. यह फंक्शन कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कहीं टूटा हुआ नहीं है. इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस साइन एक्स का जो डोमेन है, मतलब कि ये इसका जो डोमेन होगा एक्स बिलोंग टू आर होगा. इसका आउटपुट मैक्सिमम 1 और मिनिमम माइनस 1. रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन, मतलब वाई बिलोंग टू माइनस 1 टू 1, ये ऐसा कुछ होता है. इसमें कुछ आगे पढ़ेंगे लोग पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक होता है क्या भाई, जो फंक्शन ओरिजिन से जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर सम लेंथ, कुछ 2 पाई लेंथ के बाद, फिर ये ओरिजिनल ग्राफ को सेप को क्या है रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे. इनका जो पीरियड है टी, वो है 2 पाई, लिस्ट पीरियड.
ये सेकेंड पार्ट बी वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है जीरो, ये है पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई, थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, मैक्सिमम यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन। तो इनका जो डोमेन है एक्स बिलोंग टू आर, इनका जो रेंज है y belong to माइनस वन टू वन, कि cos x का बेसिक ग्राफ है। y इक्वल टू टेन एक्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे पाई बाई टू, मार्क कर लेते सारे रेडियन वाले वैल्यू को, पाई माइनस पाई, थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू। कुछ इस टेन एक्स फंक्शन ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है। जब जब कॉस एक्स जीरो होगा वहाँ पे टेन अनडिफाइंड होगा। कॉस एक्स यहाँ पे जीरो होता है पाई बाई टू पे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे है ना। तो टेन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज करेगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये सारे बेसिक ग्राफ है जो मुझे अभी याद करना है, ठीक है। तो ये tan x का ग्राफ है, tan x का जो डोमेन है यहाँ पे x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 2n प्लस में 1 इंटू पाई बाई टू, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या है, ये ब्रेक कर गया ग्राफ इनके, ये डोमेन है। रेंज y बिलोंग टू आर, बेसिक कुछ इनके डेफिनेशन है।